हे व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है सुब्रत और आप देख रहे हैं कस्टम टेक रिव्यूज। तो फाइनली हम लोग के पास मीवी डुओ पॉड्स F60 आ चुका है। इसको मैंने फर्स्ट सेल में फ्लिपकार्ट से बाय कर लिया था एंड आज के इस वीडियो में आप लोगों को सारी बातें बताने वाला हूँ क्या 1000 रुपये में ये लेने लायक है। अभी इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी इंक्रीज हो चुकी है, अभी आप लोग को ये 1400 का मिलेगा। तो क्या आप लोग को 1400 में या फिर 1000 रुपये में ये लेना सही रहेगा, सारी बातें बिल्कुल बताने वाला हूँ डिटेल तरीके से। वीडियो के एंड तक बने रहना, अगर चैनल पे यार नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर सकते हो। बढ़ते वीडियो की तरफ। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे मैं बिल्ड क्वालिटी से स्टार्ट करना चाहूँगा। तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है पूरी यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश आप लोगों को देखने को मिलती है। पूरा पेबल शेप में आप लोगों को ये देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके का ये आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूँ, थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा डेफिनेटली लगता है। अगर आप लोग इसे पॉकेट में कैरी करोगे तो थोड़ा बड़ा लगेगा, बट यहाँ पे अगर फिजिकल ओवरव्यू की बात करूँ तो ऊपर की तरफ यहाँ पे आप लोगों को LED इंडिकेशन देखने को मिलती है, उसके नीचे यहाँ पे मीवी की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और नीचे की तरफ यहाँ पे आप लोगों को टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलता है। एंड गाइज, यहाँ पे हिंज क्वालिटी की अगर बात करो तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से मेरे हिसाब से जो बिल्ड क्वालिटी है इसमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, बट इसमें ग्लॉसी फिनिश होने के कारण लॉन्ग टाइम के अंदर डेफिनेटली इसमें स्क्रैचेस आने वाले हैं, तो इस चीज़ का आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। बाकी एयरबड्स की डिज़ाइन की बात करो तो एयरबड्स का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। किन्हीं किन्हीं लोगों को ये एयरबड्स थोड़े से बड़े लग सकते हैं, बट स्टिल इसके जो डिज़ाइन है पूरी स्टैम्प डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे आप लोग को नीचे की साइड में यहाँ पे स्टैम्प में मीवी की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, प्लस इसमें आप लोग को क्वाड माइक सेटअप देखने को मिलता है। बट ईच एयरबड में आप लोग को 2 माइक का यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलता है। वोकल क्वालिटी के बारे में मैं वीडियो के आगे में बात करूँगा। तो एंड गाइस, यहाँ पे मैं फिटिंग की बात करूँ तो फिटिंग काफ़ी सही देखने को मिल जाती है। डेफिनेटली इसे पहनकर आप लोग जिम वगैरह जा सकते हो। इसमें IPX4 की रेटिंग देखने को मिलती है, तो डेफिनेटली अगर ये थोड़ा बहुत भीग जाता है आपका पसीना वगैरह से तो बिल्कुल ये सर्वाइव कर जाएगा, इसमें कोई भी आप लोग को दिक्कतें नहीं होगी। कनेक्टिविटी की यहाँ पे अगर बात करूँ तो कनेक्टिविटी में मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत इश्यूज देखने को मिले। इसमें आप लोग को ब्लूटूथ वर्सन 5.1 देखने को मिलता है। ये मेरे आईफोन के साथ पहली बार तो पेयर हो ही नहीं रहा था, देन मैंने इसको अपने एंड्रॉयड फ़ोन के साथ पेयर करने की कोशिश की तो पेयर हुआ, बट एक वाले एयरबड पे आवाज़ नहीं आ रही, तो मुझे ये डेफिनेटली थोड़ी सी दिक्कतें वाली चीज़ लगी। सो मैंने आप लोग को ये बता दिया कि पहली बार इसे पेयर करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई थी। सो गाइस, डेफिनेटली इसमें क्वालिटी कंट्रोल इशूज़ हैं, तो मेड इन इंडिया के नाम पे ये बेचा जा रहा है, बट अभी की ऑडियंस स्मार्ट हो चुकी है तो मेड इन इंडिया के नाम पे ये सारी चीज़ें नहीं चलने वाली है, फिक्स करने होंगे और जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज़ करनी होगी। नया अगर कोई भी TWS खरीदता है तो उसको ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा, तो दोबारा वो ब्रांड के तरफ नहीं आएगा। बाकी यहाँ मैं साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो इसमें आप लोग को 12mm के डायनेमिक ड्राइवर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसकी अगर मैं लाउडनेस की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लाउड देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग इसे फुल वॉल्यूम पे सुनोगे तो डेफिनेटली आप लोग के कान में चुभेंगे। अगर यहाँ पे मैं साउंड सिग्नेचर की यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग को बेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है, बाकी जो ट्रैवल्स है वो काफ़ी कम है और जो वोकल्स है वो दबे हुए से लगते हैं बिकॉज ऑफ द बेस। इसमें वोकल्स जो है वो काफ़ी दबे हुए से लगते हैं और ट्रैवल्स भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। डेफिनेटली इसमें ट्रैवल्स थोड़े से और अच्छे होते हैं, तो मैं ज़रूर आप लोग को ये रिकमेंड करता कि आप लोग इसे 1000 रुपये में या फिर 1500 रुपये में खरीदो, बट अभी के लिए मैं इसे कहूँगा कि आप लोग इसे स्किप कर सकते हो। एंड गाइस, जो प्रीवियसली मैंने मीवी डुओ पॉड्स F30 यहाँ पे रिव्यू करा था उसका साउंड इससे बेटर देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग एयरबड लेने की सोच ही रहो तो वो 1100-1100 का आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट के अंदर, तो आप लोग मीवी डुओ पॉड्स F30 को कंसिडर कर सकते हो, ना कि इसको लो आप लोग। बाकी यहाँ पे मैं माइक्रोफोन क्वालिटी की बात करूँ तो मैं आप लोग अभी सैंपल सुनाने वाला, तो आप लोग यहाँ पे जज कर सकते हो कि माइक्रोफोन क्वालिटी कैसी रहती है। तो गाइस, अभी जो आप लोग यहाँ पे ऑडियो सुन रहे हो वो मेरे मीवी डुओ पॉड्स F60 से रिकॉर्ड हो रहे हैं। रूम कंडीशन की यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे मेरे रूम में फुल स्पीड में फैन चालू है। आप लोग को यहाँ पे EMC का अंदाजा लग सकता है कि किस तरह से EMC वर्क कर रहा है। बाकी आप लोग खुद जज कर सकते हो कि वॉइस क्वालिटी कैसी रहती है। साथ ही गाइस, इसमें आप लोग को टच जेस्चर वगैरह देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग गाने को प्ले पॉज कर सकते हो, नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हो, इस चीज़ में कोई इशू नहीं है, काफ़ी अच्छे तरीके से टच जेस्चर इसमें काम करते हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं इसके कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स के बारे में। तो लाइक कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है कि इसमें आप लोग को 50 घंटे तक का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा विद द केस। अगर मेरे यूजेज की यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो मेरी यूजेज के हिसाब से मैंने काफ़ी मॉडरेट तरीके से यूज़ किया, बिल्कुल भी हैवी यूज़ नहीं था मेरा, तो मेरे हिसाब से ये 42 से 43 आवर्स तक चल जाएगा विद द केस। अगर आप लोग सिंगल एयरबड यूज़ करोगे तो 6 घंटे आराम से चल जाएंगे, इसमें कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगी। बट ध्यान रखना, ये जो मैंने आप लोग को नंबर्स बताए ये आप लोग को 70-80% वॉल्यूम पे ही, फुल वॉल्यूम पे डेफिनेटली बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम देगा आपको। सो गाइस, अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन वाले पार्ट में। तो क्या आप लोग को 1000 या फिर 1500 रुपये में ये वाला TWS लेना चाहिए? तो अभी के लिए मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि आप लोग इसे 1000 या फिर 1500 रुपये में परचेस करो।
डेफिनेटली मार्केट में और भी ऑप्शंस अवेलेबल है। जो प्रीवियसली मीवी डुओपॉड्स F30 आया था उसकी साउंड क्वालिटी मुझे इससे बेटर लगी, तो आप लोग उसे कंसीडर कर सकते हो। फिलहाल के लिए उसकी प्राइसिंग 1000-1100 तक देखने को मिल जाएगी आप लोगों को फ्लिपकार्ट में। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो और चैनल पर यार नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आप सभी से और एक नए वीडियो में। एंड गाइज इसी तरह के और भी वीडियोज़ के लिए फॉलो कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम में, उसमें मैं आप लोग को बिहाइंड द सीन्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। प्लस इसी तरह के जेन्युइन रिव्यूज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर से कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।